हे फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर करूँ आप सभी के साथ एक हाई प्रोटीन वेट लॉस रेसिपी जो कि इजी टू प्रिपेयर है, काफ़ी यूनिक एंड टेस्टी रेसिपी है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाल वाली जो रेड लेंटिल होती है वो ली है, मसूर दाल ये मैंने 100 ग्राम लिया है और इसको मैंने रात भर भिगो कर लिया है। आप यहाँ पर जो पीली वाली मूंग दाल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें लेना है एक जार और इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस दाल को। अब इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँ एक हरी मिर्च और दो लहसुन की कली। इस रेसिपी में कितने कैलोरीज हैं, जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ उससे रिलेटेड कैलोरी, सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। यहाँ पे 1/4 चम्मच हमें लेना है जीरा, 1/4 छोटा चम्मच, 5-6 काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच करीब हल्दी और हमें लेना है नमक। मैं यहाँ पर ये पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 छोटा चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूँ 2/3 कप पानी और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके की हमें चाहिए पोरिंग। 100 ग्राम दाल में मैंने 2/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से आपको एकदम इसको स्मूथ ब्लेंड करना है। तो अब एक पैन लेना है, इसमें ऐड करना है ऑयल। मैं 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँ करीब 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद वाली तिल, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा इसको। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और इसको हम हल्का सा इसमें सौते करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने 30-40 सेकेंड तक हल्का सा सॉटे किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और भी सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ आपके पास हो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 शिमला मिर्च ले रही हूँ, 1 मैंने करीब गाजर लिया है, थोड़े से मैंने कॉर्न लिए हैं 1 बड़ा चम्मच और 1 बड़ा चम्मच ही हरी मटर है। इन सबसे रिलेटेड कैलोरी और कितने पोर्शन में मैंने लिया है इन सब के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी ये रेसिपी है, बच्चों के लिए भी परफेक्ट है और वेट लॉस डाइट में आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं और डिनर में भी आप इसको ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा। साथ में इसमें ऐड करना है हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तो करीब 1/2 छोटा चम्मच आप ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और गैस की फ्लेम को लो रहने देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सब्जियां पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं थोड़ी सी। तो करीब 5 मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने एक बार स्टर किया था इसको। अच्छे से हम इसको स्टर करेंगे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम फ्रेश पनीर। हाई प्रोटीन रेसिपी हम बना रहे हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पनीर का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे सोया चंक्स बॉयल छोटे छोटे चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच तक मैंने पानी ऐड किया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप इसमें चाहें तो थोड़े से काली मिर्च को क्रश करके थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इटालियन सीजनिंग ऐड करूँ जो हम ऑरिगैनो बोलते हैं वो, तो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल बस करीब 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और अब इसके साथ हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो ऑरिगैनो है वो अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए, उसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो करीब 2 मिनट हो गए हैं, इसको ओपन करते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, बढ़िया से ये सब कुछ पक चुका है। थोड़ी सी हम इस पर ऐड कर देंगे हरी धनिया और बस अब हम इसको गैस की फ्लेम उतार कर साइड में रख देंगे। तो अब हमें फिर से लेना है एक पैन, तवा आप ले लीजिए और उस पर हल्का सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं तो पिक्चर्स आप मुझे मेरे पेज इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं learnlively@gmail.com पर।
और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पैन अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा और ये हमारा बैटर, ये देखिए। अब इस बैटर को हमें अच्छे से एक बार मिक्स करना है और फिर हमको इसमें इस तरीके से पोर करना है। तो आपको ये जितने बड़े चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जितनी बड़ी पूरी होती है उस साइज़ के आप इसको बनाइएगा। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा उसके बाद का क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ। तो गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऊपर से ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपनी जो स्टफिंग हमने बनाई है उसको इस तरीके से। और अब हमें लेना है फिर से ये अपना दाल वाला बैटर और इसके ऊपर से हमें इसको डाल देना है इस तरीके से। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर अब हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं, कवर को ओपन करेंगे और अब हम इसको आराम से इस तरीके से पलट देंगे। और दूसरी साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और अच्छे से हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो आइए ओपन करके देखते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसको गैस के फ्लेम पे से उतार लेंगे। हमारा बहुत ही यमी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है जिसे आप लंच में भी ले सकते हैं और ये एक खा के आपका पेट इजीली अच्छे से भर जाएगा। और ये हाई इन प्रोटीन है, इससे रिलेटेड कैलोरीज न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें।